ओए क्या उस लड़की को जाके मैं सॉरी बोलूं? अरे समझती क्या वो अपने आप को, उसकी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। ओए तू ना उसकी वकालत मत कर, कैसे बच्ची है मेरे, हायो रब्बा, अपनी माँ के आंसू की परवाह ही नहीं। ओए ये ना बोल जाना कि मैं ना तेरी माँ हूँ और उसने तेरी माँ को रुलाया है। पर मम्मी आप भी तो उसको काफी कुछ सुना चुके हो। ओए क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं मैं, चारों के चारों एक ही जैसी है। ओए एक को कुछ बोलो तो बाकी की तीन बीच में टपक पड़ती है। उन्होंने तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं है ना, चारों के चारों मेरे खिलाफ हर वक्त मोर्चा खोल के बैठी रहती है। ओए क्या हो गया जो मैं दिखने में जवान दिखती हूँ मगर हूँ तो उनकी माँ की उम्र की ना। अरे मम्मी वो भी तो कल यही सभी बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो? वही कि आप उनकी बड़ी बहन जैसी लगती हो। बेटा तुझे एक बात बोलूं, वो ना बेचारी कुड़िया है बड़ी चंगी और वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल नारियल की जैसी है, बाहर से बिल्कुल कड़क और अंदर से ना एकदम नरम है। थोड़ी बेचारी अकड़ू सी मगर दिल की ना बड़ी साफ है पुत्र। और ना तू जो है ना बड़ा ही पेड़ है, तू ना हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता है, मम्मी अनन्या ने ये किया, मम्मी अनन्या ने वो किया। ओए पुत्र जिंदगी में ना एडजस्ट करना सीख, समझ आई? ये फालतू के झगड़ों में ना कुछ नहीं मिलता। अच्छा अब तू एक काम कर, मैं ना तुझे गाजर का हलवा देती हूँ और बेचारी ना उन कुड़ियों को दे। क्या बेचारी अनन्या और रुई को ना बड़ा ही पसंद है। अच्छा